बीएसएफ सीआरपीएफ के बाद अब सेना के एक जवान का वीडियो आया सामने। आर्मी ऑफिसर्स पर लगाया जवानों से भेदभाव का आरोप। सेना के जवान यज्ञ प्रताप ने कहा, अच्छा नहीं लगता अफसरों के जूते पॉलिश करना और किचन में काम करना, लेकिन मजबूरी है। मिलिट्री के भी एक जवान ने लगाया आरोप, पहचान छुपाकर कहा जितनी सुविधाएं अफसरों को मिलती हैं उतनी जवानों को नहीं। खाने को लेकर जवानों की शिकायत पर सरकार गंभीर, रक्षा मंत्री पर्रिकर ने कहा मैं खुद कर रहा हूं खाने की क्वालिटी की मॉनिटरिंग। समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह पर आज आ सकता है फैसला, चुनाव आयोग में सुनवाई, मुलायम और अखिलेश गुट रखेंगे अपना पक्ष। ट्रिब्यूनल की तर्ज पर होगी साइकिल चुनाव चिन्ह मामले की सुनवाई, तीनों चुनाव आयुक्तों के साथ कानूनी सलाहकार भी रहेंगे मौजूद। यूपी चुनाव में किसानों को साथ जोड़ने के लिए बीजेपी का खास कैंपेन, आज से सभी जिलों में शुरू होगा माटी तिलक प्रतिज्ञा अभियान। राहुल गांधी की खाट सभा की तरह बीजेपी लगाएगी अलाव चौपाल, किसानों को बताए जाएंगे केंद्र के कार्यक्रम और नोटबंदी के फायदे। कोलकाता पुलिस का संघ प्रमुख मोहन भागवत की रैली को इजाजत देने से इनकार, कहा जो जगह मांगी गई है वहां इजाजत संभव नहीं। 14 जनवरी को होनी थी कोलकाता में भागवत की रैली, पुलिस के फैसले के खिलाफ आरएसएस की तरफ से की जा सकती है आज हाईकोर्ट में अपील। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबियत में सुधार, दोपहर को एयर एम्बुलेंस से लाए जाएंगे पटना से दिल्ली। पासवान को सांस में तकलीफ के बाद भर्ती कराया गया था कल पटना के अस्पताल में, लालू भी दोनों बेटों के साथ पहुंचे थे, हालचाल जान। वायुसेना प्रमुख बीएस धनोवा ने MiG-21 से अकेले उड़ान भरी, 14 जनवरी तक राजस्थान के उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन के दौरे पर है धनोवा। बीएस धनोवा ने करगिल युद्ध में MiG-21 से कई बार आतंकियों को निशाना बनाया था, पराक्रम के लिए युद्ध सेवा मेडल से किए गए थे सम्मान। भारत के मिसाइल प्रोग्राम को पाकिस्तान ने बताया दक्षिण एशिया में शांति पर खतरा, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR की बैठक में जताया एतराज। खादी विलेज कमीशन के कैलेंडर और टेबल डायरी में महात्मा गांधी की जगह पीएम मोदी आएंगे नजर, सूत काटते दिखाई देंगे, चरखा भी होगा मॉडल। इलाहाबाद के बड़े सर्जन और जीवन ज्योति हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर एके बंसल की हत्या, अज्ञात व्यक्तियों ने हॉस्पिटल के चैंबर में घुसकर मारी गोली, हुए फरार। डॉक्टर बंसल को सिर और कनपट्टी पर मारी गई गोली, सीसीटीवी में ढूंढा जा रहा है हत्यारे को, तलाश में एसटीएफ ने बनाई है कई सर्च टीम। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने लौटाई डीटीसी किराए में 75% तक कटौती के प्रस्ताव वाली फाइल, वित्त विभाग से पूछा सरकार पर कितना पड़ेगा बोझ। अभिनंदन का दावा, नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से ही चुनाव लड़ेंगे, हो चुकी है बात, कल सिद्धू की राहुल गांधी के साथ हुई थी मीटिंग। यूपी के मऊ में बीएसपी प्रत्याशी मनोज राय को जान से मारने की धमकी, कहा घर पर आए थे दो लोग, मुख्तार अंसारी पर लगाया आरोप। बिजनौर में समाजवादी विधायक तस्लीम अहमद का पुराना वीडियो फिर वायरल, बोलते सुने जा रहे हैं कि जो दूसरों का माल और जमीन हड़पे वही पक्का नेता। मेरठ के समाजवादी विधायक गुलाम मोहम्मद भी आचार संहिता तोड़ने में घिरे, प्रशासन से पूछे बगैर अपने कॉलेज में कराए नौकरियों के लिए इंटरव्यू, दर्ज हुआ मामला। यूपी चुनाव में हथियारों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, कहा सिर्फ उन्हीं के हथियार जमा कराएं जिनसे चुनाव में हिंसा का हो खतरा। इलाहाबाद देसी हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, दो लोगों को गिरफ्तार करके जब्त किए गए 11 तमंचे, चुनाव के दौरान बेचे जाने थे ये तमंचे। हरियाणा के यमुनानगर में शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करके 6 बम बरामद, यूपी पुलिस ने की कार्रवाई, चुनाव में बम सप्लाई करने की थी खबर। पीलीभीत में 2 गाड़ियों से 1,24,00,000 के नए नोट बरामद, 5 लोग हिरासत में, खुद को बताते थे बैंक कर्मचारी। चुनाव ऐलान के बाद से गाजियाबाद में 6 करोड़ से ज्यादा की नई करेंसी जब्त, मुरादनगर पुलिस ने अब 1,90,000 के नए नोट पकड़े दो हिरासत में। यूपी में नए कैश पर लगातार छापेमारी, बुलंदशहर में 1 गाड़ी से 6,00,000 के नए नोट बरामद, मुरादाबाद और सीतापुर में भी गाड़ियों से 2-2 लाख रुपए जब्त किए गए। सेना के जवान पहली बार डालेंगे ई बैलेट से वोट, कानपुर में 3,805 जवानों ने कराया रजिस्ट्रेशन, लेकिन मौका मिलेगा सिर्फ 781 को। उत्तराखंड में टिकटों को लेकर तनातनी, हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम हरीश रावत के सामने हंगामा किया, पीडीएफ नेता के खिलाफ लगाए नारे। मुलायम अखिलेश के बीच विवाद मिटाने के लिए कानपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया हवन, 1,000 मंत्रों के साथ दी आहुति। चुनाव में प्रचार के साथ साथ पूजा पाठ भी शुरू, हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा घाट पर पूजा करके की उत्तराखंड के कांग्रेस सरकार को उखाड़ने की प्रार्थना। मुंबई के मनकुर्द में 7 घंटे बाद काबू में आई स्क्रैप यार्ड में लगी आग, हादसे में कई घायल, आग बुझाने में लगी 17 फायर ब्रिगेड की गाड़ी।
बिहार के औरंगाबाद में सीआईएसएफ के चार जवानों की हत्या में झगड़े की वजह अभी भी साफ नहीं। सीआईएसएफ के ही जवान बलवीर सिंह ने की थी फायर। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर एक व्यापारी से 22 लाख की विदेशी करेंसी बरामद। 20,500 यूरो और 42,800 दिरहम मिले। इनकम टैक्स ने शुरू की है पूछताछ। राजस्थान के झुंझुनू में आम दुकानों से अवैध शराब के धंधे का खुलासा। एक दुकान से बरामद किए गए शराब के 90 बक्से। एक आरोपी गिरफ्तार। श्री गंगानगर में पुलिस और वन विभाग की टीम पर हमला करके दो आरोपियों को छुड़ा ले गई गांव की महिलाएं। तस्करी के मामले में की थी गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में चार दिन से लापता महिला का शव मिलने पर हंगामा। परिवार वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। कानपुर में तिरंगा अगरबत्ती के मालिक के घर, दफ्तर और दुकानों पर इनकम टैक्स का छापा। करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप। स्टॉक और दस्तावेजों में दिखा अंतर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मारे गए दोनों आतंकियों का शव बरामद। AK-47 मैगजीन और ग्रेनेड भी मिले। घुसपैठ की कोशिश करते वक्त मार गिराए गए थे आतंकी। अमृतसर में एक मेडिकल स्टोर से पकड़ी गई 50 लाख कीमत की गोलियां। स्टोर का मालिक गिरफ्तार। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कर रहा है पूछताछ। बेंगलुरु पुलिस की पकड़ से भागे कैदी को यूपी पुलिस ने फैजाबाद से गिरफ्तार किया। 1 जनवरी को अयोध्या में बरामदगी के लिए लाई थी बेंगलुरु पुलिस। बागपत में शराब के नशे में धुत पुलिस के सिपाहियों की कार ने बच्चों को रौंदा। बच्चे की मौके पर ही मौत। लोगों ने किया दिल्ली यमुनोत्री हाईवे जाम। यूपी के सहारनपुर के डीएम और एसएसपी के जेल में औचक निरीक्षण से हड़कंप। हाल ही में जेल से फरार हुए थे चार कैदी। जेल की सुरक्षा व्यवस्था की हुई समीक्षा। फैजाबाद में चंदन तस्कर राजकीय उद्यान से 3 कीमती पेड़ लेकर फरार। विरोध करने वाले चौकीदार पर की फायरिंग। पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप। मथुरा में खाद्य विभाग की टीम से सादाबाद इलाके में छापेमारी कर दूध, पनीर और क्रीम के नमूने इकट्ठा किए। काफी दिनों से मिल रही थी मिलावट की जानकारी। यूपी के चित्रकूट में कुएं में गिरने से 2 बच्चों की मौत। मां पर लापरवाही करने का आरोप। गांव वालों की सफाई। एक बच्ची को बचाने के लिए महिला ने लगाई थी छलांग। महिला को बचा लिया। यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला से रेप। महिला ने पति पर ही लगाया दबंगों को सौंपने का आरोप। कहा 2 महीने तक बनाकर रखा बंधा। यूपी के हरदोई में महिला की संदिग्ध मौत। ससुराल वालों पर लगा दहेज प्रताड़ना का आरोप। 8 महीने पहले हुई थी शादी। गुरुग्राम में एक लड़की से छेड़छाड़ और अगवा करने की कोशिश। ऑनलाइन एफआईआर न होने पर लड़की ने फेसबुक पर डाली शिकायत। स्कॉर्पियो में आए थे बदमाश। कैथल के गुरुद्वारा मंजी साहिब में दीवार फांदकर घुसे चोर। सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ के बाद वारदात को दिया अंजाम। गुल्लक से उड़ाया कैश। ट्रेनों में कड़े कानून के बाद भी चोरी छिपे शराबखोरी। आगरा इंटरसिटी ट्रेन से सामने आया एक वीडियो। जीआरपी और आरपीएफ का नहीं दिखा कोई डर। अलीगढ़ में 12 साल का बच्चा भी शहर की शांति पर खतरा। पुलिस ने चुनाव से पहले बनी लिस्ट में जोड़ा नाम। विरोध पर एसएसपी ने कही जांच की बात। यूपी के जालौन में भी अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। 2 राइफल और 6 से 7 तमंचे मिले। 3 लोगों की गिरफ्तारी। एमपी में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के नाम से फोन पर सरकारी कर्मचारियों को धमकी। मंत्री का पीए बनकर किया किसी ने फोन। पुलिस ने शुरू की नंबर की जांच। मेरठ के सदर बाजार में एक होटल में आग लगने से हड़कंप। पास वाले होटल को भी लिया चपेट में। शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है वजह। पीलीभीत में पड़ोसियों से परेशान होकर एक महिला की खुदकुशी। पड़ोसन ने मामूली झगड़े पर मार दिया था थप्पड़। डिप्रेशन में थी उसके बाद से। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की सुस्ती। थाने के पास व्यापारी के घर का ताला तोड़कर लाखों के गहने उड़ा ले गए चोर। पुलिस को खबर तक नहीं। महाराष्ट्र के मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी से मारपीट का वीडियो वायरल। बुकिंग ऑफिस के पास सोने पर बुरी तरह से पीटता दिखाई दिया पुलिस वाला। महाराष्ट्र के परभणी में मानसिक तौर पर कमजोर बच्ची से रेप। आरोप 55 साल के एक व्यक्ति पर। परिवार ने की फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाने की मांग। बर्फबारी से शिमला में बड़ी आफत। कई इलाकों में 5 दिन से बिजली गुल। बर्फ की वजह से हिमाचल में 280 सड़कें बंद कर दी गई। जम्मू कश्मीर में बड़ी और ठंड। द्रास में -24 डिग्री पहुंचा रात का पारा। लेह में -18 और श्रीनगर में -5 रहा रात का तापमान। दिल्ली में ठंड की वजह से 19 जनवरी तक बड़ी सरकारी स्कूलों में LKG से 5वीं क्लास तक की छुट्टी। आदेश NDMC और MCD के स्कूलों पर लागू नहीं। दिल्ली में आज ठंड कल से कुछ कम। सुबह का तापमान 4.5 डिग्री। लेकिन 25 ट्रेनें आज भी लेट। 8 का टाइम बदला गया। 2 रद्द। दिल्ली सरकार को सारे विभागों में डिजिटल सर्विस शुरू करने के आदेश। LG अनिल बेजल ने कहा सरकार ऑनलाइन सुने और सुझाए समस्याएं। मुंबई में छत्रपति शिवाजी स्मारक के निर्माण के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका। 36,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बताया महाराष्ट्र सरकार की फिजूल खर्ची।
दिल्ली में इस साल जून में खुलेगा भारत का पहला मैडम तुसाद म्यूजियम। शुरुआत में देश की 50 हस्तियों के लगाए जाएंगे मोम के पुतले। चेन्नई में जलीकट्टू खेल पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन जारी। गुरुवार को 24 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पोंगल पर तनाव को देखते हुए सुरक्षा कड़ी। उन्नाव में रेल विभाग कानपुर से लखनऊ जा रही मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे। करोड़ों रुपए का सामान बर्बाद होने की आशंका। यूपी के शामली में चेकिंग के दौरान कार से पकड़े गए 4,08,000 रुपए। मुजफ्फरनगर जा रही थी कार। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अभियान के तहत अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अवैध दुकानों पर चले बुलडोजर, व्यापारियों ने किया विरोध। पूरे देश में आज मनाया जा रहा है लोहड़ी का त्यौहार। पंजाब के शहरों में कई कार्यक्रम। शाम को जलाई जाएगी लोहड़ी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आयोजित पुलिस मैराथन में 1500 से ज्यादा धावकों ने लिया हिस्सा। आज सुबह सुखिया पोखरी से शुरू हुई 21 किलोमीटर लंबी मैराथन। झारखंड के रांची में सब्जियों के सही दाम न मिलने से किसान परेशान। नाराज किसानों ने NH 33 पर सब्जी मंडी के बाहर सड़क पर टमाटर फेंके। TCS के MD नटराजन चंद्रशेखरन बने टाटा सन्स के नए चेयरमैन। टाटा के 150 साल के इतिहास में चेयरमैन बनने वाले पहले गैर पारसी। दुनिया की टॉप 50 इनोवेटिव कंपनियों के लिस्ट से बाहर हुई टाटा कंपनी। 2 साल तक थी शामिल। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने जारी की है लिस्ट। 3,000 करोड़ की लागत से शुरू हुए एयरटेल के पेमेंट बैंक, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया उद्घाटन। EPFO ने बढ़ाई बकाया पैसे देने की डेडलाइन। अब 20 दिसंबर तक जमा कराया जा सकता है दिसंबर का पैसा। इंग्लैंड के खिलाफ 15 जनवरी से शुरू हो रही सीरीज के लिए टीम इंडिया ने बनाया अपना प्लान। बहाया पसीना, पुणे में की प्रैक्टिस। इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच के लिए कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर। 26 जनवरी को होना है पहला T20 मैच। सस्ती हेल्थ सर्विस के ओबामा केयर प्लान को खत्म करने के लिए अमेरिकी सीनेट में आज वोटिंग। रिपब्लिकन्स पर विकल्प देने का भी दबाव। अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए अमेरिकी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति ओबामा से प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम लेते वक्त भावुक हुए। सीरिया के अलबाब में टर्की की सेना और ISIS के बीच जंग जारी। ISIS की न्यूज एजेंसी अमाक ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो। इराक के मोसुल से पलायन जारी है। इराकी सेना के राहत कैंपों में पहुंचने वालों की तादाद रोजाना 1,000 से ज्यादा। जिनेवा में UN दफ्तर के बाहर टर्की के विदेश मंत्री के खिलाफ कुर्दिश मूल के लोगों का प्रदर्शन। मानवाधिकार हनन का मामला लगाया। टर्की की संसद में संविधान में बदलावों को लेकर सांसदों में हाथापाई। आमने सामने आई सत्ताधारी AK पार्टी और विपक्षी रिपब्लिकन पीपल पार्टी के लोग। पेरू की राजधानी लीमा में टोल टैक्स बढ़ावे को लेकर ट्रक ड्राइवरों और पुलिस के बीच झड़प। 40 लोग लिए गए हिरासत। ब्रिटेन में ठंड से इमरजेंसी जैसे हालात। सबसे बेस्ट एयरपोर्ट हिथ्रो से करीब 80 फ्लाइट्स रद्द किए गए। सेना के स्टैंड बाय पर रहने की सलाह दी गई है। अब तक 8 इंच बर्फबारी। स्कॉटलैंड में बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद। जारी किया गया येलो अलर्ट। तेज हवाओं के साथ तूफान का भी अंदेशा। बेल्जियम में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद येलो अलर्ट। तेज हवा और ऊंची लहरों से निपटने के लिए समंदर किनारे लगाए गए 30,000 सैंडबैग्स। ग्रीस में स्कोपोल्स द्वीप पर बर्फ में फंसा परिवार हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। ग्रीस समेत पूरे यूरोप में इस वक्त भारी बर्फबारी से आफत। अमेरिका के मैरीलैंड में एक घर में आग लगने से 6 बच्चों की मौत। घर में महिला अपने 9 बच्चों के साथ रहती थी। सिर्फ 3 बच्चों को बचा पाया। ईरान में नए एयरप्लेन्स की डिलीवरी शुरू। प्रतिबंध हटने के बाद से ईरान एयरबेस कंपनी से 200 प्लेन खरीद रहा है। 40 साल में पश्चिमी देशों से पहली खरीदार। चीन में दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज से 29 साल के एडम ने लगाई छलांग। $150 मिलियन की लागत से बना ब्रिज दिसंबर 2016 में हुआ था चालू। फिल्म XXX के प्रमोशन कार्यक्रम में विन डीजल और दीपिका ने स्टेज पर की जमकर मस्ती। हिंदी फिल्मों के गानों पर नाचे डीजल। सबसे पहले 14 जनवरी को भारत में रिलीज होगी फिल्म। फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च इवेंट में पहुंचे तमाम सेलिब्रिटीज। शाहरुख ने फोटोग्राफर फ्रेंड डब्बू के साथ अपना सोशल बॉन्ड शेयर किया। चैनल लॉन्च पर अल्ट्रा ग्लैमरस लुक में दिखी रेखा। रेखा ने बॉलीवुड की यंग ब्रिगेड के एक्ट्रेस के साथ तस्वीरों के लिए भी पोज दिया।